दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में नगर निगम के सफाई कर्मी कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उसी वार्ड के निवासी राजकुमार यादव ने इन सफाई कर्मियों के साथ मारपीट की। इन लोगों का आरोप है कि राजकुमार यादव पूर्व में भी हम लोग के साथ मारपीट कर चुके हैं। आज ये राजकुमार यादव डंडा लेकर आए और हमारे सफाई कर्मियों के साथ मारपीट करने लगे, जिसके बाद इन लोगों ने काम बंद कर दिया। उसके बाद उसी वार्ड के वार्ड पार्षद निशा कुमारी के आवास पर जाकर इन लोगों ने धरना दिया। इन लोगों ने मांग किया कि जब तक हम लोगों को जान माल की सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग सफाई का कार्य नहीं करेंगे। इनका ये भी आरोप है कि जाति सूचक शब्द का भी हमारे साथ राजकुमार यादव ने प्रयोग किया है। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि हम इसकी लिखित शिकायत नगर आयुक्त एवं विश्वविद्यालय थाना को दे दिए हैं। इस संबंध में पार्षद निशा कुमारी का भी कहना है कि हम मांग करते हैं कि इन लोगों को सुरक्षा दिया जाए। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। राजकुमार यादव जी आए और लाठी लेकर के आए। एक हमारा लेबर सब काम कर रहा था, लेबर पर भी लाठी बरसाना चालू कर दिया, हम पर भी लाठी बरसाना चालू कर दिया थे। मेरा मोबाइल फोड़ दिया, हमारा कालर पकड़ा और लेबर सबको भी भद्दी भद्दी गाली दिया सफाई कर्मचारी को, और जाति शब्द भी बोला। और एक महिला है झाड़ू वाली, बहुत एजेड है, वो जाती है तो इनको भी जो है भद्दी भद्दी गाली देता और लाठी लेकर रख देता है मारने के लिए। तो माननीय पार्षद साहब के पास आकर के 4-5 दफ़ा रिपोर्ट कर चुके हैं, उसको मोहल्ला में बुला करके समझाया बुझा गया, लेकिन अब वो समझने बुझने वाला नहीं है। पार्षद साहब भी समझा बुझा के थक गई हैं। इसीलिए श्रीमान नगर आयुक्त से हम लोग का प्रार्थना है कि हम लोग का जानो माल का हिफाजत करते हुआ सुरक्षा दिया जाए। आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अभी जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा वार्डे में बैठ करके, माननीय पार्षद साहब के यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, आज ऑफिस बंद है, आप पार्षद साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग को इंसाफ दिलाया जाए। तो क्या ये पदाधिकारी को सूचना दिए हैं, लेकिन बोले हैं कि आवेदन लिख करके दीजिए, जो जो घटना हुआ आज ऑफिस बंद है, इसीलिए आज ऑफिस में आवेदन नहीं दिए हैं, एक आवेदन जा रहे हैं थाना पर देने के लिए। आपके साथ कौन मारपीट किया है? राजकुमार यादव है। जो है ये सफाई कर्मी अपने सब सवेरे से ही अपने अपने ड्यूटी पर लगे हुए थे, और उसी समय कीपर वाले भी आ गए थे, तो कीपर वाले वहाँ वो कचरा उठा रहे थे वहाँ पे, और ये सफाई अधिदर्शक जो है वो और मेरा एक जो हैंड थैला लेकर के जो कचरा उठाता है राम कुमार राम नाम का स्टाफ है, वो जो है वो भी जो है कचरा उठा रहा था सड़क पर, जो झाड़ू देके इकट्ठा था सो, और डोर टू डोर वाला भी गाड़ी था तो ये कचरा उठा रहा था, और कीपर वाले भी थे, और वो सफाई अधीक्षक जो है वो मोटरसाइकिल से जो है हर राउंड गली में जो है वो राउंड लगा के चेक करता है कि वो मेरा जो सफाई कर्मी वो सही से काम कर रहे कि नहीं। यही दौरान में जो ये जो वार्ड जिम्मेदार जो वहाँ गया है, तब तक देखा कि वहाँ राम जो कचरा उठा रहा था उससे वो गाली मतलब गाली बक रहा था इसको, और वहाँ और भी वार्ड के जो कुछ लड़के लोग थे वो लोग भी बोल रहा है कि काहे गाली बक रहे, लेकिन बेवजह वो गाली बक रहा है। इसी दौरान उधर से हमारा सफाई अधीक्षक जा रहा था तो वो भी वहां पर रुका, कीपर वाले भी थे, ये मतलब इससे को भी गाली देने लगा, तो ये भी बोला कि इसे आप लोग गाली क्यों बक रहे हैं, हम क्या किए हैं यहाँ पर, तो इसको जो है डंटा चला दिया, तो डंटा चला दिया, तो ये लोग जो है वो जो राम है वो और 2-3 आदमी और जो है कीपर वाले है वो सब मिल करके जो है उसका डंटा जो है उन लोग रोका, तो वहां डंटा नहीं मतलब चोट जो है एक आधा घंटा हाथ पर लगा, लेकिन कपार पे जो चलाया तो फिर वो रोक लिया पीछे से, फिर ये लोग मेरे पास आ गए। उसके बाद फोन करके जो जो गली में था जितना स्टाफ सबको ये लोग बुला लिए यहाँ पर, तब से ये लोग बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि अब हम कानून में जाएंगे, चूंकि निगम से भी लोग बात कर लिया, तुरंत वीडियो वायरल हो गया था, तो वो निगम कर्मी वहां से भी नगर निगम से भी हुआ कि लिख करके दीजिए, चूंकि ऑफिस आज बंद है तो ये लोग थाना जाने के प्लान में है, लिखे हुए आवेदन, हम भी उसको मतलब इसमें हम भी सहमति दिए हैं, क्योंकि वो उसको जो हम भी अपने स्तर से जो है बार बार उसको समझाने का कोशिश किए हैं, लेकिन वो बेअसर रहा, और वो आए दिन इस तरह से करता है, तो पहले गाली देता था, अब वो डंडा चला रहा है, कल डाइगर चलाएगा, तो इसका तो अब ये लोग कह रहा है कि मेरी सिक्योरिटी आप लीजिए, तो ये सिक्योरिटी तो ये निगम प्रशासन और थाना प्रभारी अब जो करे। क्या इसके पीछे कुछ मंशा लगती है आपको? ये इंटेंशनली उसका मतलब ये अगर चूंकि अगर कुछ इस तरह का अगर वो व्यक्ति रहता या मेंटली या कुछ रहता तो वो मैं आए दिन जो चलने वाले जो राहगीर है उस पर भी ढेला फेंकता या घर में भी उस तरह का उत्पात करता, लेकिन ये उस तरह का नहीं करता है, ये हमारे सफाई कर्मी के साथ ही करता है, और उसके बाद ये सफाई कर्मी कुछ बोलते हैं तो वो साथ में मुझे भी गाली दे देता है कि आपकी पार्षद ऐसे आपके पैसा ऐसे, और उसका इसी लोग से डिस्टर्ब करता है, तो ये कहीं से गाय ढो रहा है क्या हो रहा है ये हम लोग को जानकारी नहीं है,
लेकिन वो करता है। और इधर अब आज हम पता किए हैं तो पता चला है कि वो गांजा बहुत लेता है और गांजा का वो जो है सप्लाई भी करता है। क्या नाम हुआ आपका? मैं निशा कुमारी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 13।